بالله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा भी जग मगाई है, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जग मगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग्यानी नहीं जाती। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग जिस नीयत से आए हैं तो उसी नीयत से बैठना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और उस पर ध्यान दे करके इखलास और मोहब्बत से अमल भी करना चाहिए। वक्त बहुत कम है। हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब दामत बरकातहु, उनकी भी दो चार बात होगी, हम दो चार बात ही कह देते हैं। आप लोग थोड़ा सिमट के बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता। हम ही लोगों को इस मजलिस का एहतराम करना है। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आपके सामने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। मकतब उसको कहा जाता है जिसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। हर आदमी, जैसे हम ही लोग हैं, पहले मकतब में पढ़ा है, तो मकतब के मौली साहब को, उस्ताद को मियां जी कहा जाता है। अब मियां माने जानते हैं, मियां माने क्या होता है? लोग समझते हैं छोटका मौली साहब, मियां माने बहुत बड़ा के आता है। कुरान में अल्लाह की सिफत आई है अल कबीरुल मुताल, अल्लाह ताला बड़ा भी है और अपने बड़कपन में बहुत ऊंचा है। तो मियां जी तो कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे बाद उस्ताद कहा करते थे कि लोग बुखारी पढ़ाने वाले को बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अलिफ्बा सिखलाते हैं, उनको कम हुज्जत का नहीं करनी पड़ती, कम मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद न हो तो मुसलमानियत कमजोर होती है, गांव अब्बू मालूम होता है। जैसे औरत अपने ठिकाने से सिंगार में न हो तो बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो मस्जिद का होना भी बहुत जरूरी है। मस्जिद जब होती है
तो हर सुबह को फरिश्ते सबसे पहले जामे मस्जिद कहीं होती है, जैसे हमारा ये परसा है, आप हमको अजनबी ना समझिए, हमारे माँ का भी नलियाल है और माँ के नलियाल में हम इतना खुरदौनी किया यहाँ कि वो मुजोलिया तक खेलने जाते थे फुलवारी में, इधर पश्चिम तरफ कब्रिस्तान की तरफ। ये जमीन हमारे बचपन की जमीन है, हमारी देखी वाली है। ये और बात है कि खानदान उजड़ गया है, लेकिन साफ से नहीं उजड़ा है, हमारे जुबैर मामू मौजूद है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नौले नुकाना है बगना के डर से, चाहे गुसाना हुई कि आप आज तकरीर में आई से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमारी सरजमीन है, क्या उतना नहलियाल में कदरदानी होगी और मोहब्बत होगी? उत्तर गुर हम सबको समझते हैं। हमारा लाइन जो है वो मधमन से ही धीरे उधर के ना, बहुत खलीक लोग होते हैं, मेहमानों की बड़ी कदरदानी करते हैं। पहले जोड़ा जामा भी मिलता था, अब तो 5 रुपयों नहीं मिलता। हम सही बात कर रहे हैं, ये परसा जो है हम लोगों की रेंगी हुई जमीन है। लगता है कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां पर इस त्याग का कदम ना पड़ा हो। हमारी यहाँ दो दो नानी थी, एगो हसीना नानी, एगो रशीदन नानी। मालूम है आप लोग को, रशीदन नानी का बेटा मुहिब्बुल हक, मुहिब्बुल हक, और हसीना नानी थी तो बचपना था। नानी को तो जानते हैं, नाटी खाटी थी, हमारी सब नानी दुरुखे में जाके बैठती थी, बड़ी दयालु सब। बस समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए हमको अजनबी न समझिए, न समझा। ये मस्जिद जो थी, हम जिस जमाने में थे तो यूं ही ईंट की बनी हुई थी, लेकिन प्लास्टर नहीं था, बहुत धोधल सब था। अब तो थोड़ी उजी आ गई है, मीनारा भी दिखाई देता है माशाल्लाह, लोग भी संभल गए, अकलमंद होशियार हो गए। तो होशियार आदमी को तो ज्यादा बात समझना चाहिए, ना समझा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस गांव में मकतब नहीं है, जिसमें दीनी तालीम न हो, आप मरइये में पढ़ाइए, आप मस्जिदे में पढ़ाइए, कोई के दालाने में पढ़ाइए, कोई के उरियानी में पढ़ाइए, मगर पढ़ाई होनी चाहिए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? एक वाकया सुनावे, उसके बाद बात खत्म। हमारे हजरत जो कहेंगे और दुआ करेंगे, बस उसी पर मजलिस खत्म हो जाएगा, समझा कि ना? हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं कहाँ? भोर मुंह पान ही तो भूल ही कैसे निकली, असीर खुल्ले आए हैं तू सब। सिंगारा चौक से पहले कुतुब रोड, हाँ तो अच्छी मालूम आता है, ठीक है, सिंगारा चौक से इधर है, बात समझ में आएगी ना? बहुत दिन हो गया। तो वहां पर एक मकतब चलता था हजरत की, जो हजरत वाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अगल बगल में तो कब्रिस्तान है, कई सारा मजार सब है, हजरत का हुजरा भी है, हजरत की बीवी भी है, हजरत के बच्चे भी हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हजरत इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि ईरान से आए तो एक ऐसा सिलसिला लेके आए कि चार सिलसिलों में उस सिलसिले का कोई जोड़ा नहीं। क्यों? उसमें सुन्नते रसूल का मानता जाते है, पीरी मुरीदी, जिक्र भी है, फिक्र भी है, लेकिन हजरत का जो सिलसिला है जिसको नक्शबंदिया सिलसिला कहते हैं, उस नक्शबंदिया सिलसिले में उलमा पर यह आयद होता है कि सिर्फ जिक्र और फिक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सुन्नत पर अमल होना चाहिए। ये सिलसिला है कहां? हिंदुस्तान में। बात समझ में आई? एक रात हजरत जो सोए, तो हजरत को एक ऐसी बात पेश आ गई जिसकी बुनियाद पर उनका दिल बैठ गया,
दिल बैठ जाने का मतलब अब न तहज्जुद में मजा, अब न नफिल में मजा, न कुरान की तिलावत में मजा, और न जिक्र और फिक्र में मजा। बस समझ में आ रही है? अल्लाह ताला से रात भर दुआ करते रहे कि मौलाए करीम जो गलती हो गई है मैं जानता हूं आप उसे माफ कर दीजिए, मगर माफ नहीं हो रहा है, माफ नहीं हो रहा। सुबह तक रहे मगर माफ नहीं। फजर की अजान से पहले जो तहज्जुद का टाइम है, फजर की अजान से पहले। तो हजरत के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि तुम्हारा जो मकतब बगल में चलता है तुम्हारी मस्जिद के, नबी करीम पहले कब्रिस्तान नहीं था, बाद में कब्रिस्तान हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? अबू कब्रिस्तान का पोतो नहीं चलता है, कितना खरीद के घर बनाया हुआ है, म्युनिसिपैलिटी वाला अगर भीग गया तो सबकी बिल्डिंग चली जाए, समझा कि ना? लेकिन जितनी दूर तक कब्रिस्तान है, मस्जिद के पश्चिम से एक मकतब चलता था, उसमें एक मियाँ जी पढ़ाते थे। हजरत का काम तो पीरी मुरीदी का था। ये बात समझो कि औघा न तो हम आधे पर काटते। बात को इतनी समझ लीजिए कि मकतब से क्या होता है। हजरत मौलाना तामीउद्दीन फरमाया मकतब से क्या होता है, वीरान टोला मोहल्ला वो गांव भी। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि इन नौजवान मौलवियों ने बुनियाद रख दी है, अब चाहे जैसे भी मगर चलेगा इंशाअल्लाह, चलेगा। चलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला चलाएंगे। तो अल्लाह ताला जो काम करेंगे तो उसको कौन रोक देगा? शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। अल्लाह चाहेंगे तो बढ़ेगा, घर भी बनेगा ताकि बच्चे सहूलत से वहां पर तालीम हासिल कर सके। तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली ना, कुरान में फअलहमहा फुजूरहा वतक्वा। आदमी जब बदकार होता है तो उसके दिल में बदकारी ही आती है, और जब आदमी नेकोकार होता है तो अल्लाह का फरिश्ता उसके दिल में बात डाल जाता है, ऐसे नेकी करो, ऐसे करो, वैसे करो। फअलहमहा फुजूरहा वतक्वा। कल सुबह सवेरे जब मकतब शुरू होगा, बच्चे आएंगे, चाहे वो तराना से पहले हो चाहे तराना के बाद, उससे बहुत नहीं। उस मकतब में जाना है, और हर बच्चे के सामने बैठ बैठ करके, एक बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए, कितनी बड़ी सजा हो रही है, एक बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए। सबसे तुमको एक बात कहनी है, क्या कहना है? मेरे बच्चे, मैंने रात अल्लाह की शान में, यानी जबान से ऐसी बात निकल गई है कि जब तक तुम माफ नहीं करोगे मेरी गलती। वाह, कैसे बुजुर्ग थे, कैसे बुजुर्ग थे। उन्होंने मरने से पहले कह दिया था मेरे जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ावेगा। बतलाइए, बगैर जनाजे के आपको घर दिया जाएगा? नहीं नहीं, तुम जनाजा रख देना, सफे लगा लेना। एक आदमी आएगा सतरपोश, वो आएगा जनाजा पढ़ा देगा, चले चला जाएगा, उसके बाद तुम लोग, समझा कि नहीं? तो जब जनाजा पढ़ा दिया तो इत्तेफाक से शायद घूंघट हट गया पर्दा, तो देखा ही तो खाजे बापू बिल्ला, तो कल के मतूरी वाला जनाजा ही पढ़ गई, ये जिंदे है आके पढ़ाबो, और जो मुर्दा पढ़ाई वो कौन खाजा बाकी नहीं सुन। तो एक तो हमरे सब समझ लिया बात ये है कि वो जो है जिस्म है, और वो जो आया वो रूह थी ना सुन। देखो जिस्म है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं,
इतने बड़े बुजुर्ग। एक रात मेहमान आया, एगो बात और सुना देते हैं ताकि समझ में आवे कि अल्लाह ताला बड़े को चाहे भी तो दलील कर दे और किसी छोटे को चाहे तो आसमान पर उतारे। सहाबाए किराम में कोई ऐसा नहीं है कि जो कब्र में गाड़ा गया हो और उसका जनाजा आसमान पर उठा लिया गया। तारीख का मतलब करते रहिए ना, हमारे हजरत बैठे हुए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों के गुलाम आमिर इब्ने फुहैरा, आमिर इब्ने फुहैरा, हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूल की मुताबात और फरमा बरदारी करके जो मर्तबा हासिल किया है, अब तारीख में उठा के देख लेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी खूबियां मिलेंगी जो हुजूर में थी और जो वाकया हुजूर के साथ पेश आया वही बात हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पेश आई। ना समझा? मिसाल के तौर पर एक खैबर की लड़ाई में हुजूर को एक औरत ने बकरी के गोश्त में जहर मिला के दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक शख्स ने ऐसे ही बकरी के गोश्त में जहर मिला के दिया। इनका भी ना कुछ हुआ हुजूर का, उनका भी ना कुछ हुआ। ना समझ? बात समझ में आ? टोपी पहन के आते तो आदमी बुझाते, मगर हो आदमी ये छोड़ो ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए। जब अयबे किए हैं, वक्त दिया है, तो क्यों ना थोड़ा सुन करके जाया जाए। मजलिस की जो है मजलिस का एहतराम करके जाया जाए। समझा कि ना? तो रात को मेहमान आया, तो खाने के लिए कुछ थे भी नहीं। बुजुर्गों के यहाँ कहाँ रहता है? सूखी रोटी कोई फुलाए है, कोई कटोरी में रखे है। समझा कि यही मामला तो होता था। बिगा लिया, खा लिया, नमक रख लिया, खा लिया। बुजुर्गों के अंदर यही होता है। कोई कोई बुजुर्ग सब इतना खाइश की देखती है खत्म हो। तो बुजुर्गों की अलग अलग सिफत होती है। ये नहीं समझिएगा ये कम खाए ज्यादा खाए। तो फलनमा का बाप मोटाना, तोरा बाप कहने मोटाना, बहू को मोटा होना चाहिए। तो कहा कि तो अपने अपने जिस्म की बात है, तो वैसे ही बुजुर्ग की अपने अपने सिफत की बात है। ना समझा? तो नानबाई था एगो बगल में, नानबाई उस सड़क का नाम जो कुतुब रोड पड़ा है ऐसे ही नहीं पड़ा है, बाबा के नाम से पड़ा है। बाबा के वजह से पड़ा है। कुतुब का दर्जा ही उतना बड़ा होता है। जो गैबी भी चले आते हैं, सूरत दिखला देते हैं, मालूम होता कि फलाने थे, अच्छी लाने आ गए। ना समझ? नान भाई कहा कि रोटी तो है एक दो गो बोझ, मगर पहले एगो हमको शर्त है। तो कल के क्या शर्त है? कहा कि हम तो आपको रोटी दे देंगे, लेइए लीजिए, मगर एगो शर्त है, हमको आप अपना जैसा बना दीजिए। अब दारा सिंह कहे कि हमारा सर पैर टूट गए, हमरे भोलू अकरम जैसा जो पाकिस्तानी था, उसने कहा था कि अगर हुकूमत बिला मुआवजा अगर मुसलमानों को हज करने की इजाजत दे दे तो हम चलती ट्रेन को रोक देंगे। बाबा वो इकोन के बाप की मजा ले बोले, या ये कहा होगा कि गाड़ी हम चले ना देंगे चाहे जितना स्पीड हो। ना समझे? चलती ट्रेन का तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये बात हकीकत है। भोलू था, अकरम था, लल्लू था और एक और था। तो बाहर ननबाई ने रोटी पकाने वाले ने क्या कहा? आप हमको हमको अपने जैसा बना बना। ये तुरी वाला बोरा में जितना अठी होते ना, देख तो बोरे फट जाए, न होगा तो उसका जो है सिलाई बखड़ जाए, उनार जाएगा, उनार जाएगा, ना उनार। तो कहा तुम बहुत बड़ी चीज मांग लिया, कम बगत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाबे। करे कल के बाबा आप उसकी फिक्र नहीं कीजिए, हम अपनी मेहनत से बर्दाश्त करेंगे। कल के ठीक है। कल के इधर गले लगा लिया,
गले जब छुड़ाया तो देखा कि भौंकर के चीख मर गया। कितने बड़े बुजुर्ग थे, कितने बड़े बाबा थे, कितने अल्लाह के बड़े बुजुर्ग थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना बड़ा बुजुर्ग मक्तम में पहुंचा, मौली साहब को देख के तो हवाई गुम हो गई। क्या हो गया? हवाई गुम हो गई। बाप रे बाप, ये बुढ़वा कभी ना आवत रहले, आई काहे मक्तम में आले, इसलिए हवाई गुम हो गई मौली साहब। अरे डिप्टी पहले आवे तो हवाई गुम हो जाए मास्टर। देखा है डिप्टी? डिप्टी कोई नहीं देखा, हमारे सेवा कोई नहीं देखा। इस सामने वाले जो लोग बैठे हो, हमारे सेवा कोई नहीं डिप्टी को जानता है। समझ में आई? तू जानो हक्कन ईमानदारी बोलियो, तू तो बोल जा, समझा कि ना डिप्टी। तब मौलाना देखे कहे कि बाबा हो बाबा, काहे अले का करिए, ई कौन मन से आई से कभी ना मुंह देखत रही से, आई मुंह दिखाबो। तो हजरत जो है सबके सामने बैठे, मेरे बेटे मेरे बच्चे, तुम अल्लाह से कहो कि मेरी गलती माफ कर दे। हम सबसे यही एक एक करके, एक एक करके सब। हजरत रोने लगे, हजरत रोने लगे, मगर हिचक महसूस नहीं कर रहे थे कि हम छोटे हो गए। हजरत रोने इसलिए लगे कि ये इतना बड़ा जुर्म हो गया, जिस जुर्म की बुनियाद पर रात से हम परेशान हैं, मगर मानने वाला मेरा मौला मान नहीं रहा, कैसे होगा ना समझ। खैर सब बच्चा सब खत्म हो गया, तो दिल साफ हो गया। क्या हो गया? दिल साफ। तो ये जो मकतब खुला है हमारे परसा नलियाल का, तो कोई दिल का दरवाजा बंद कर सकेगा? काहे वो असर, वो रुसूख, ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये ठंडी हवा को कोई रोक सकेगा? कोई खेंगरा ओढ़ के आवेगा तो जो न रोक सकेगा। कई के हम आंख बंद कर लेंगे तो भटक भटक गिरबे। वैसे भी मस्जिद तक जाने में रास्ता थोड़ा दूरा रह ले, अभी नहीं गए बहुत जमाने से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस जगह पर मकतब होता है अल्लाह ताला की रहमत उतरती है। आप लोग ना सुना है कि जब बच्चा चलता है तो हदीस में दो किस्म की रवायत आई। एक तो यह है कि बच्चे के पैर के नीचे पर फरिश्ता पर बिठा दे, बेटा जमीन पर पैर मत रख, ये तो हम जूता पहने ना बाबा, जूते पहन के हम। ऐसा होता, ऐसा होता तो कितनी बरकत है उसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये कहानी इतने ही सुनाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम